के महिलाएं जो पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, इसमें पूरा पूरा योगदान माता सावित्री बाई फुले जी का है। उनकी जयंती के अवसर पर मैं इस देश की समस्त देश की आधी आबादी मातृशक्ति को ये संदेश देना चाहूंगी कि माता सावित्री बाई फुले ने जिस तरह से संघर्ष करके हम लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए, शिक्षित करने के लिए लड़ाई लड़ी, उनके हक और अधिकार को बर्बाद ना होने दें, अपने हक अधिकार को पाने के लिए शिक्षित हों, आगे बढ़ें और अपने मुकाम को हासिल करें। उसके बावजूद भी कि देखा जा रहा है कि भारत में महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम बात शिक्षा की कर रहे हैं, निश्चित तौर पर शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम सुरक्षित भी होने लग जाएंगे। एक अज्ञानता ही कारण है जो हमें किसी भी तरफ धकेलने का काम करता है, चाहे वो पुरुष में हो या महिला में हो। दोनों ही समाज में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आज ज्ञान की बात कर रहे हैं। आज ज्ञान की देवी का जयंती है, तो इस अवसर पे हम यही कहेंगे कि जब ज्ञान की ज्योति जल जाएगी तो निश्चित तौर पे अज्ञानता समाप्त होगी, और अज्ञानता जहाँ समाप्त हुई किसी भी तरह का अपराध होना बंद हो जाएगा।